नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गौरांशु श्रीवास्तव। यूपी 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में पिछले महीने आए हाईकोर्ट के फैसले के बाद यह मामला एक बार फिर से जबरदस्त चर्चा में है। इसकी वजह है सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला। असल में हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद शिक्षकों के उस तबके को अपना भविष्य अधर में लटका नजर आ रहा था जिन्हें इस भर्ती में नौकरी मिल गई है। दूसरी ओर ओबीसी अभ्यर्थी हैं जो कि सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि हाईकोर्ट के फैसले को जल्द से जल्द लागू कराया जाए। उनका आरोप है कि इस शिक्षक भर्ती में ओबीसी आरक्षण की अनदेखी की गई है, जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सोमवार को इस पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़ा एक बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य में 69,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक नई लिस्ट जारी करने के लिए कहा गया था। चीफ जस्टिस ने पिछले महीने हाईकोर्ट की तरफ से जारी आदेश पर 25 सितंबर तक स्टे लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे निलंबित करते हुए 23 सितंबर को अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी है। जून 2020 और जनवरी 2022 में जारी शिक्षकों की चयन सूचियों को रद्द करने संबंधी उच्च न्यायालय के आदेश पर भी रोक लगा दी गई है, जिनमें 6800 अभ्यर्थी शामिल थे। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पादरीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने रवि कुमार सक्सेना और 51 अन्य द्वारा दायर याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य सहित यूपी बेसिक एजुकेशन बोर्ड के सचिव को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले में अंतरिम सुनवाई करेंगे। साथ ही न्यायालय ने संबंधित पक्षों के वकीलों से कहा कि वो अधिकतम 7 पेजों के संक्षिप्त लिखित नोट दाखिल करें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फिलहाल एक बात तो तय हो गई है कि अब 25 सितंबर तक कोई नई मेरिट लिस्ट नहीं आएगी। वहीं इस फैसले के बाद से ही इस पर राजनीतिक रिएक्शंस भी आने शुरू हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के कई बड़े और नामचीन चेहरे इस मुद्दे पर अपनी राय रख रहे हैं। अखिलेश यादव ने जहां कल ही इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी थी, वहीं मंगलवार को यानी आज सुबह सुबह ही मायावती ने भी इस मामले पर अपना रिएक्शन दे दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने पोस्ट करते हुए लिखा कि यूपी शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उन्हें अपना संवैधानिक हक जरूर मिलना चाहिए। साथ ही सरकार इस मामले में अपना ईमानदार रुख अपनाए ताकि इसके साथ कोई भी नाइंसाफी ना हो। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि 23 सितंबर के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होगा। फिलहाल आपका इस शिक्षक भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए यूपी तक के साथ। नमस्कार।